हाय गाइस, वेलकम यू ऑल इन सीजी एंड मल्टीमीडिया प्लेलिस्ट। और हम बात करने वाले हैं आज जो सीजी है कंप्यूटर ग्राफिक, उसकी डिस्प्ले डिवाइसेस होती है वो एक्चुअली होती क्या है, यानी कि सीआरटी के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, सीजी डिस्प्ले डिवाइस आ रहे हैं आउटपुट डिवाइस। पहली बात तो समझिए क्या होती है आउटपुट डिवाइस होती है, यानी कि आउटपुट देगी कोई ना कोई आपको। यूज टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ इमेजेस, यानी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का जो है वो एक इमेज के फॉर्म में किया जाएगा। इसको अलग अलग करते हैं, लाइक कैथोड रे ट्यूब। ये आपके पहले जो आपके कंप्यूटर होते थे ना, बड़े लंबे लंबे होते थे पीछे से, या आपके जो टीवी होते थे पुराने वाले, तो उनमें ये कैथोड रे ट्यूब यूज की जाती है। आपने देखा होगा, पापा को पता होगा आपके। तो देखिए, अब लेटेस्ट में कौन सी चल रही थी, एलसीडी चल रही थी, जिसमें क्या था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले थी, ठीक है, बट पानी डला हुआ था तो वो फूट जाती तो पूरी ख़राब हो जाती। फिर आई एलईडी। एलईडी आपके घर में आज भी आपको देखने को मिलती है। ऐसी होती है एक डीवीएसटी, यानी कि डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, इसके बारे में बात करेंगे अपन। और एक होती है प्लाज्मा डिस्प्ले, जो आपके मोबाइल फ़ोनों में आप बोलते हो ना कि सर हमारा टच खराब हो गया, हमारा टेम्पर टूट गया, तो वो प्लाज्मा डिस्प्ले के अंदर आता है। तो अपन सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैथोड रे ट्यूब। तो मैं आपको समय में पीछे लेना चाहूँगा, वो समय जब आपके माता पिता उस कंप्यूटर या उस टीवी को यूज करते थे। तो देखिए, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉनिटरिंग एंड टेलीविजन, यानी कैथोड रे ट्यूब यूज की जाती थी। सो सीआरटी इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब होती थी डैट डिस्प्ले द इमेजेस व्हेन ए इलेक्ट्रॉन बीम कोलाइड्स ऑन ए रेडिएंट सरफेस। अब मैं इसको आप एक डायग्राम से डिफाइन करता हूँ आपको। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे कनेक्टर पिंस लग रही है बेस से, जहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉन गन बनती है, वहाँ से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो रहे हैं। अब अपने आगे आता है, यहाँ पे एक प्लेट लग रही है, वो है कंट्रोल ग्रेड वोल्टेज, यानी कि जो इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करेगी। आगे है फोकसिंग सिस्टम, जो यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड करे हो अलग अलग दिशा में, उसको एक शार्प और एक मतलब बीम के रूप में कन्वर्ट कर देगा ये आपका फोकसिंग सिस्टम। और एक्स और वाई आपके जो डिफ्लेक्ट है, ये क्या कर रहे हैं, इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी जो है बैंड आ जाता है थोड़ा सा इसके बीम में, और ये सीधा जाता है फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही इस स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक बीम पड़ता है, तो यहाँ से क्या होता है, एक ब्राइट स्पॉट निकलता है और आपको स्क्रीन विजिबल हो जाती है। इतना सा डायग्राम है बस। अब कुछ इनमें जो भी आपकी चीज़ें काम आई उनकी डेफिनेशन देखें, तो इलेक्ट्रॉन गन की बात करें, इलेक्ट्रॉन गन इज़ मेड अप ऑफ द सेवरल एलिमेंट, मेनली ए हीटिंग फिलामेंट एंड कैथोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन गन बनती है, और इसका सोर्स है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, एक नैरो बीम निकालता है, ठीक है। फोकसिंग एंड एक्सिलरेशन एनोड की बात करें, यानी कि ये फोकसिंग सिस्टम की बात हो रही है, जो क्या कर रहा है, नैरो एंड शार्पली फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपका डिफ्लेक्शन प्लेट आ गई, एक्स और वाई, वो एक्चुअली क्या कर रही है, यहाँ पे पाथ डिसाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन बीम किस साइड जाना चाहिए। द प्लेट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट बैंड्स द इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू ए एरिया एज इट ट्रेवल्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये बैंड कर देती है इलेक्ट्रॉन बीम को। और फाइनली फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन क्या कर रही है, जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बीम हाई वोल्टेज की पड़ती है, हाई वेलोसिटी की, तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे दो टेक्नोलॉजीज, यानी दो टेक्निक्स यूज करती है फॉर प्रोड्यूसिंग इमेज ऑन सीआरटी स्क्रीन। दो टेक्निक कौन सी, एक तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम, एक होता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम। रैंडम को वेक्टर भी बोल देते हैं और रास्टर को रिफ्रेश भी बोल सकते हैं। एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अपन इनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।